जीटीई क्या होता है? कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जीटी में? फंड्स कितने शो करने पड़ते हैं जीटी में? कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है जीटी प्रोसेस में? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एलपी टॉक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटी प्रोसेस के बारे में। जीटी प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, आपके फंड्स कितने लगते हैं, सब कुछ डिटेल में होने वाला है। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था जीटी प्रोसेस में। लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको मेडिकल की रिगार्डिंग, जीटी इंटरव्यू की रिगार्डिंग और सीओई क्या होती है और ऑफर लेटर, सब कुछ इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप वो भी चेक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीटीई होता क्या है। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है ऑस्ट्रेलिया के, वो ये चेक करते हैं कि जिस स्टूडेंट को उन्होंने एडमिशन देना है और ऑफर लेटर दे दिया है, वो जेन्युइन भी है या नहीं, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक तो नहीं है। वो सब कुछ चेक करते हैं, आपका जो स्कोर के सर्टिफिकेट, डीएमसी और जितनी भी डिग्रीज होती हैं सब कुछ वो चेक करते हैं। आपके फंड्स के बारे में सब कुछ चेक करते हैं, आपकी एसओपी बिल्कुल चेक करते हैं, आप क्यों आना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया, आप का क्या मेन रीज़न है, आप स्टडी के लिए आ रहे हो या फिर वर्क के लिए आ रहे हो। अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर रहने आ रहा है, उस स्टडी के लिए नहीं आ रहा, तो उसमें भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, जीटी क्लियर नहीं हो पाती। तो अब बात कर लेते हैं कि जीटीई में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रीवियस स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे 10th प्लस टू की डीएमसी, और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर उसके बाद आपका कोई गैप है तो आपको गैप के भी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, इसके बीच मैंने ये एक्टिविटी की। और उसके बाद अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई जॉब की है, तो वहाँ की आपकी उस सैलरी का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, आपने कब से कब तक वहाँ पे जॉब की है वो दिखाना पड़ेगा, अपने कोई साथ वाले एम्प्लॉय का भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ देना पड़ेगा, जिससे वो वेरीफाई कर सके उससे कि हाँ ये बंदा यहाँ पे काम करता था। और SOP भी GTE का पार्ट है। जैसे SOP में आप बताते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे, आपका ऑस्ट्रेलिया आने का क्या मेन मोटिव है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने ये कोर्स ही क्यों चुना, आप की प्रीवियस स्टडी से अगर वो कोर्स रिलेटेड है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, आपने अपने फंड्स कैसे शो किए, अगर आपने अपने एजेंट से कराए जैसे मैंने कराए हैं फंड शो, तो आप उसका क्या रिसोर्स है वो सब होगा उसमें, और आपके जो माता पिता हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, आपके स्पॉन्सर की इनकम कितनी है, आपको ये सब वेरीफाई कराना पड़ेगा उसमें, इन सब के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बात करते हैं कि आपको जीटी प्रोसेस में कितने फंड शो करने पड़ते हैं। तो जो मैक्सिमम जो होते हैं वो है 24, 25, 26 लाख के अराउंड जो आपके फंड्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वो होते हैं, और उसके साथ आपकी फ़ीस जुड़ के आपके टोटल जो पेमेंट बनती है वो होती है 35, 36 लाख, मतलब वो तो आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग हो जाती है ऊपर नीचे, पर जो आपकी मेनली जो फंड्स हैं वो 24, 25, 26 लाख के अराउंड होते हैं। आपका इंटरव्यू भी जीटीई का प्रोसेस होता है, तो आपको सिंपली एक कॉल आ सकती है या फिर आपको ईमेल पे एक लिंक आ सकता है जिसको ओपन करके आपको अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आपको सिंपली उसमें यही बताना है या वेरीफाई करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, अपनी होम कंट्री में क्यों अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहे, या फिर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, और आपने अपनी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं और फी है वो आपने कैसे पे की है, और आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है, और आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी या फिर यही सिटी क्यों चुनी, कोई और कंट्री क्यों नहीं चुनी, आपको ये सब उस जीटी इंटरव्यू में वेरीफाई करना पड़ता है।
और इससे ज़्यादा कोई इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो यही देखते हैं कि जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे आने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसको ये भी सब कुछ पता है या नहीं है कि उसकी फ़ीस कितनी है या फिर वो लोकेशन कहाँ पे है यूनिवर्सिटी की, कभी उसने अप्लाई कर रखा हो और उसको पता कुछ भी ना हो। तो GT इंटरव्यू तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको समझना है कि यहाँ कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि GTE प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में आपकी क्लियर होती है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो 10 to 25 days में क्लियर हो जाती है, और जैसे ही अब 2023 आया उसके बाद तो और भी ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो रहा है GTE का, बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है GTE। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टाइम लेती है, बाकी मोस्टली जो है वो बहुत जल्दी आपको प्रोसेस करते हैं, और GTE प्रोसेस सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप अपने थर्ड प्रोसेस पे नहीं जा सकते फीस पे। जैसे ही आपका GTE प्रोसेस क्लियर होता है उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल जाता है, जिसमें आपको फीस के बारे में डिटेल बिल्कुल क्लियर होता है सब कुछ। आप अपनी फीस सबमिट करके उसके बाद अपनी CO आपको मिल जाती है, फिर आप अपनी वीज़े की फाइल लगा देते हो। अगर आपको COE के रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हों और ऑफर लेटर के बारे में, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर लेना। और GTE इंटरव्यू रिगार्डिंग भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। थैंक यू।